देश की राजनीति में बहुत बड़ी खबर। सूत्रों के मुताबिक शुक्रवार को 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशांत किशोर और पवार के बीच हुई मुलाकात। सूत्रों के मुताबिक मीटिंग में गैर कांग्रेसी पार्टियों को एकजुट करने पर हुई चर्चा। सूत्र बताते हैं प्रशांत किशोर ने पवार को 400 प्लस सीट जिताने का फॉर्मूला बताया। ऑडियो टेप पर बीजेपी का कांग्रेस पर जोरदार हमला। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा दिग्विजय सिंह देश के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। बीजेपी ने कहा इससे कांग्रेस की सोच का पता चलता है, कांग्रेस देश विरोधी क्लब हाउस है, कांग्रेस की पाकिस्तान के साथ साठगांठ। संबित पात्रा ने कहा मणिशंकर अय्यर और दिग्विजय के सरगना है राहुल गांधी, ये निजी बयान नहीं है, सब साजिश की टूलकिट का हिस्सा है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के क्लब हाउस चैट पर मचा बवाल। दिग्विजय ने कश्मीर में धारा 370 हटाने पर पुनर्विचार करने की कही बात। ऑडियो चैट में दिग्विजय ने कहा कांग्रेस सत्ता में आई तो 370 बहाल करने पर विचार करेंगे। क्लब हाउस चैट में पाकिस्तानी पत्रकार भी मौजूद थे। क्लब हाउस चैट पर बीजेपी हुई आक्रामक। गिरिराज बोले कांग्रेस का पहला प्यार पाकिस्तान, राहुल का देश, दिग्विजय ने पाकिस्तान पहुंचाया। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने ट्वीट कर कांग्रेस पर निशाना साधा, कहा यह तो पाकिस्तान का एजेंडा है। पीएम मोदी आज केंद्रीय मंत्रियों के कामकाज की करेंगे समीक्षा। यूपी चुनाव को लेकर केंद्रीय कैबिनेट में भी फेरबदल की चर्चा। आज धर्मेंद्र प्रधान, नरेंद्र सिंह तोमर, गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ पीएम मोदी की समीक्षा बैठक। महेंद्रनाथ पांडे हरदीप पुरी के मंत्रालयों के कामों की भी करेंगे समीक्षा। जम्मू कश्मीर के सोपोर में नाका पर पुलिस सीआरपीएफ टीम पर आतंकी हमला, हमले में दो जवान शहीद, हमले के पीछे आतंकी संगठन लश्कर का हाथ। सोपोर हमले में गोली लगने से 3 नागरिक की हुई मौत, इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी, घायल जवानों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कश्मीर में आतंकी साजिश के बीच पाक आर्मी चीफ का एलओसी का दौरा, पीओके में कोटली इलाके गया बाजवा। अमृतसर में भारत पाक सीमा पर पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश नाकाम की गई, पाकिस्तान से आए ड्रोन पर बीएसएफ ने की फायरिंग, फायरिंग के बाद वापस लौटा ड्रोन। दिल्ली के लाजपत नगर मार्केट में कपड़े के शोरूम में लगी आग, आग लगने से इलाके में अफरा तफरी, शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग। कड़ी मशक्कत के बाद लाजपत नगर के मार्केट में लगी आग पर काबू पाया गया, मौके पर दमकल की 30 गाड़ियां मौजूद रही। यूपी कैबिनेट विस्तार की चर्चाएं जोरों पर। सूत्रों के मुताबिक सामाजिक और जातीय समीकरणों को साधने के लिए कैबिनेट में कुछ नए चेहरों को मिल सकती है जगह। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति को देखते हुए संगठन में बड़े बदलाव की तैयारी। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस 3 से 4 कार्यकारी अध्यक्ष बना सकती है। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व राज्यसभा सदस्य को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। आगामी चुनाव के मद्देनजर प्रदेश में स्थिति मजबूत करने में जुटी कांग्रेस। चुनाव से पहले कांग्रेस का साथ छोड़ सकते हैं कई बड़े नेता। सूत्रों के मुताबिक रायबरेली से विधायक अदिति सिंह कांग्रेस पार्टी छोड़ सकती हैं। सूत्रों के मुताबिक रायबरेली से विधायक राजेश सिंह भी छोड़ सकते हैं पार्टी आने वाले वक्त में, और भी नेता पार्टी को कह सकते हैं अलविदा। सचिन पायलट को लेकर दिल्ली से राजस्थान का हलचल तेज हो गई है। दिल्ली में पायलट 2 दिन तक रहेंगे, प्रियंका गांधी से कर सकते हैं मुलाकात। आज राजस्थान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा दिल्ली आएंगे, अजय माकन और संगठन महासचिव वेणुगोपाल से करेंगे मुलाकात। सचिन पायलट की नाराजगी की खबरों पर बोले प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, पायलट हमारी पार्टी के नेता हैं, वो बीजेपी में क्यों जाएंगे। पंजाब में अकाली दल और बीएसपी के बीच गठबंधन की घोषणा, बीएसपी 20 सीट और बाकी पर अकाली दल लड़ेगी चुनाव। सुखबीर सिंह बादल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीएसपी सुप्रीमो मायावती को धन्यवाद कहा, कहा पंजाब को कांग्रेस मुक्त करना है। कैबिनेट मंत्री साधु सिंह, कहा पंजाब को कांग्रेस मुक्त करना है। कैबिनेट मंत्री साधु सिंह धर्मसोत के खिलाफ आपका हल्ला बोल, बठिंडा समेत कई जिलों में प्रदर्शन, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम में घोटाले का आरोप। कोरोना को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, राजधानी में कोरोना कंट्रोल को लेकर डॉक्टर्स को धन्यवाद कहा। केजरीवाल ने कहा कोरोना की दूसरी लहर से कोई गरज छूटा नहीं है, डॉक्टर्स को बढ़ चढ़कर भूमिका अदा करनी चाहिए की है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा वैक्सीन के बाद भी ब्रिटेन में केस बढ़े, तीसरी लहर के लिए हमें तैयारी करनी होगी। कोरोना महामारी की दूसरी लहर में अब तक 719 डॉक्टर्स की गई जान, सबसे ज्यादा 111 डॉक्टर्स की मौत बिहार में। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के मुताबिक दूसरी लहर में दिल्ली में 109 डॉक्टर्स की हुई मौत, जबकि उत्तर प्रदेश में 79, बंगाल में 63 डॉक्टर्स की हुई मौत। देश में आज भी 1,00,000 से कम आए कोरोना के मामले, 24 घंटे में 84,332 नए मामले, एक दिन में 1,21,311 मरीज डिस्चार्ज। देश में 24 घंटे में 4,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हो गई, 1,80,690 संक्रमित मरीजों का आंकड़ा। पंजाब में 24 घंटे में कोरोना के 1,230 नए मामले, हरियाणा में 463, हिमाचल में 505 नए संक्रमित। झारखंड में कोरोना का ग्राफ तेजी से गिर रहा है, जहां 24 घंटे में मिले 291 नए मामले, एक मरीज की मौत, राजधानी रांची में मिले 18 नए केस।
उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में नाइट कर्फ्यू के दौरान डीजे की धुन पर ग्रामीणों ने जमकर किया डांस, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। मेहुल चौकसी को लगा बड़ा झटका, डोमिनिका कोर्ट में चौकसी को जमानत देने से इनकार किया गया, जहां कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी है। निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की बैठक हुई है, बैठक में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री भी रहे मौजूद। लगातार दूसरे दिन महंगा हुआ पेट्रोल डीजल, दिल्ली में पेट्रोल 27 पैसे महंगा तो डीजल के दाम 23 पैसे बढ़े। पीएम मोदी आज डिजिटल माध्यम से G7 शिखर सम्मेलन को करेंगे संबोधित, आज और कल 3 सत्रों में होगा पीएम मोदी का संबोधन। G7 समिट के लिए ब्रिटेन में विश्व के शीर्ष नेताओं का जमावड़ा, वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता करेंगे ब्रिटिश के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन। G7 समिट के लिए जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल भी लंदन पहुंची, समिट में शामिल होने वाले नेताओं के साथ अलग से होगी मुलाकात। कुवैत के दौरे पर गए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित किया, कोरोना महामारी को लेकर सरकार की जमकर तारीफ की। इंडियन मिलिट्री एकेडमी में पासिंग आउट परेड, सेना को मिले 341 युवा सैन्य अधिकारी। पासिंग आउट परेड के बाद सरहदों की निगरानी के लिए युवा अफसरों की टोली तैयार है, पासिंग आउट परेड में 84 विदेशी कैडेट्स भी शामिल। मुंबई में कई इलाकों में सुबह से हो रही है रुक रुक कर बारिश, मौसम विभाग ने 13 और 14 जून को भी भारी बारिश का अलर्ट किया जारी। मुंबई में हाई टाइड की चेतावनी जारी की गई, कुर्ला सांताक्रूज के कई इलाकों में जोरदार बारिश, जल जमाव से लोगों को हो रही है परेशानियां। भारी बारिश की वजह से अंधेरी, सबवे में जल भराव, सबवे को किया गया बंद, सड़कों पर जल भराव से जगह जगह फंसी गाड़ियां। मुंबई के साइन इलाके में बारिश की वजह से सड़कों पर जल जमाव, वाटर लॉगिंग से लोगों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में भारी बारिश के बाद दरकने लगे पहाड़, सड़कों पर लैंडस्लाइड से यातायात प्रभावित। मध्य प्रदेश के 11 जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट, भोपाल इंदौर समेत 24 जिलों में येलो अलर्ट जारी, मध्य प्रदेश में मानसून ने 7 दिन पहले ही दिए दस्तक। बिहार में अगले 24-48 घंटे के भीतर मानसून, कई जिलों में गरज के साथ भारी बारिश की चेतावनी। बिहार में भी मानसून ने दी दस्तक, पटना में हो रही है झमाझम बारिश, लोगों को गर्मी से राहत मिली। कोलकाता में उपद्रवियों के तांडव की तस्वीर आई सामने, बालीगंज इलाके में मंदिर में की गई तोड़फोड़, राज्यपाल ने हिंसा पर जताई चिंता। नहीं थम रहा है टीएमसी सांसद नुसरत जहां की शादी का मामला, इस विवाद में अब मौलाना और धर्मगुरु भी कूद पड़े। देवबंदी उलमाओं ने नुसरत की शादी को नाजायज ताल्लुकात करार दिया है, साथ ही इस्लाम कबूल करने की सलाह भी दिया। बंगाल में नहीं थम रही हिंसा, सांसद डॉक्टर जयंता रॉय समेत 6 बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला किया गया, टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगाया। उत्तर प्रदेश में 15 लाख से अधिक राज्य कर्मचारियों को डीए वेतन वृद्धि का मिलेगा लाभ, अगले 7 महीने में 3 बार मिलेगा महंगाई भत्ता। उत्तर प्रदेश में पंचायत उपचुनाव के लिए मतदान जारी, 73 जिलों में 14,712 ग्राम पंचायतों में वोटिंग, 14 जून को आएंगे नतीजे। मथुरा में बीजेपी का एक दिवसीय बैठक, प्रदेश संगठन महामंत्री सुनील बंसल समेत कई दिग्गज मौजूद, बैठक में उत्तर प्रदेश चुनाव की रणनीति को लेकर चर्चा। बीएसपी के पूर्व एमएलसी रामू द्विवेदी को देवरिया पुलिस ने लखनऊ से गिरफ्तार किया, रामू द्विवेदी और शराब व्यवसायी संजय केडिया समर्थकों में गोलीबारी हुई। तीसरी लहर से निपटने के लिए मध्यप्रदेश सरकार तैयार, सीएम शिवराज ने बीना में अस्थायी कोविड अस्पताल का शुभारंभ किया, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान रहे मौजूद। मध्य प्रदेश के उज्जैन में 2 पक्ष आपस में जमकर भिड़ गए, मारपीट हुई, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी तस्वीरें। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में पहाड़ी से बोल्डर गिरने का वीडियो हुआ वायरल, बाल बाल बचा बाइक सवार। पटना में शराब की होम डिलीवरी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 329 लीटर शराब के साथ पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। बिहार के सहरसा में पानी से भरे गड्ढे में डूबने से 5 बच्चों की मौत, समाचार हड़कंप न आने के दौरान हुआ हादसा। हजारीबाग पुलिस ने गैंगस्टर सुशील श्रीवास्तव हत्याकांड का मुख्य शूटर जम्मू से गिरफ्तार किया है, 2015 को कोर्ट में पेशी के दौरान गोली मारी गई थी। चतरा पुलिस को मिली सफलता, ब्राउन शुगर के साथ 9 लोग गिरफ्तार, बरामद ब्राउन शुगर की कीमत करीब 1 करोड़ रुपए, गिरफ्तार लोगों से 8.25 लाख रुपए बरामद। उत्तर प्रदेश के चंदौली में स्क्रैप लदा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया, सड़क किनारे बिखरा लोहे का स्क्रैप, घटना में ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। उत्तर प्रदेश के जालौन में मामूली विवाद में 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट, वारदात में 2 लोग घायल। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में जमीन विवाद में महिला को पीटने का मामला सामने आया, दबंग युवक ने लाठी डंडों से महिला और उसकी बेटियों को जमकर पीटा। नोएडा पुलिस ने 6 चोरों के साथ पकड़ा 8.5 करोड़ की चोरी का सामान, लेकिन अब तक कोई सामने नहीं आया दावेदार, काला धन होने के शक में
जांच के लिए पहुंची इनकम टैक्स की टीम। भोपाल में अपराधियों के हौसले बुलंद, सड़क पर लाठी डंडों से जमकर मारपीट की गई, पुलिस ने 6 लोगों पर मामला दर्ज किया है। राजस्थान के चौंपू में टोल कर्मियों की दबंगई, रिकवरी क्रेन चालक के साथ हुई मारपीट, वीडियो हुआ वायरल। जयपुर में स्कूल की दान पेटी से चोरी, फिजिक्स लैब का ताला भी तोड़ा गया, पूरी घटना सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। बिहार के आरा में एक बेकाबू हाथी ने घंटों मचाया उत्पात, एक शख्स को गंभीर रूप से किया घायल, काफी मशक्कत के बाद बेकाबू गजराज को किया गया काबू। मध्य प्रदेश में खोले जाएंगे 9,200 सीएम राइज स्कूल, जिले से ग्रामीण स्तर तक करीब 1 करोड़ बच्चों को हाईटेक एजुकेशन देने का है प्लान। इंदौर एसटीएफ की गिरफ्त में 3 व्यापारी समेत 1 दलाल, 4.25 किलो सोना और 1 करोड़ कैश जब्त। कोरोना महामारी की दूसरी लहर में ईएमआई पर नहीं मिलेगी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने कहा रिपेमेंट में मॉरेटोरियम और ब्याज को पूरी तरह से माफ कर पाना संभव नहीं है। कोरोना के मरीजों को एसबीआई पर्सनल लोन 8.5% ब्याज पर देगा, बिना गारंटी के 5 लाख रुपए तक मिलेगा कर्ज। कोरोना की दूसरी लहर का रियल एस्टेट सेक्टर पर भी असर, 95% प्रोजेक्ट में हो सकती है देरी। अगले साल से एटीएम से पैसा निकालना पड़ेगा महंगा, महीने में 5 बार फ्री के बाद कैश निकालने पर 21 रुपए लगेंगे। रसोई गैस उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, अब किसी भी डीलर से रिफिल करवा सकेंगे गैस सिलेंडर, 5 शहरों से जल्द शुरू की जाएगी इस नई सुविधा को। अश्विन, शमी और ईशांत ने WTC फाइनल की तुलना, वर्ल्ड कप से किया है कहा है हम ट्रॉफी घर लाना चाहते हैं। टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के पहले तैयारी, जहां टीम इंडिया 22 दिन बाद प्रैक्टिस मैच खेलने उतरी, पहले दिन पिच पर हल्की घास नजर आई। रेसलर सागर की हत्या के आरोप में गिरफ्तार पहलवान सुशील कुमार की बड़ी मुश्किलें, दिल्ली कोर्ट ने सुशील कुमार की जुडिशियल कस्टडी 25 जून तक बढ़ाई। शाकिब अल हसन ने घरेलू T20 मैच के दौरान मैदान पर स्टंप कुलात मारी, साथ ही अंपायर के साथ अपमानजनक व्यवहार किया। युवराज सिंह का फिर छल का दर्द, अपने करियर से जुड़ी बातों का खुलासा करते हुए कहा वर्ल्ड कप में मेरी जगह धोनी को चुन लिया कप्तान। फ्रेंच ओपन में नोवाक जोकोविच ने रचा इतिहास, 13 बार के चैंपियन राफेल नडाल को सेमीफाइनल में हराने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए नोवाक जोकोविच। फिटनेस क्रेजी उर्वशी रौतेला ने वर्कआउट करते हुए वीडियो किया शेयर, उर्वशी का वर्कआउट वीडियो फैंस को आ रहा पसंद। एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा खान का नया वीडियो वायरल हो रहा है, जहां वीडियो में मलाइका प्लेन में स्ट्रेचिंग करती हुई नजर आ रही है। माधुरी दीक्षित ने खूबसूरत वीडियो किया शेयर, वीडियो में माधुरी लता मंगेशकर के गाने को गुनगुनाती हुई आई नजर। टीवी एक्ट्रेस शुभांगी अत्रे ने एक खूबसूरत वीडियो शेयर किया है, जहां वीडियो में शुभांगी रोमांटिक गाने पर अपना जलवा बिखेर रही है। द फैमिली मैन 2 फेम मनोज वाजपेयी की पत्नी पर बनाया गया था नाम बदलने का दबाव, बोली शबाना कभी भी नया बनने के पक्ष में नहीं थी। बिल्ली ने मस्ती मस्ती में पैर पकड़कर बच्ची को गिरा दिया, जहां बिल्ली और मासूम बच्ची का वीडियो वायरल हो रहा है। जिम में वेट लिफ्टर को टिप्स देना ट्रेनर को भारी पड़ गया, वेट लिफ्टर ने ट्रेनर को भारी भरकम रॉड थमाया, ट्रेनर हुआ चित। गुस्से में हाथी ने एक ही झटके में धराशायी कर दिया पेड़, विशालकाय हाथी का वीडियो वायरल हो रहा है। पानी पी रहे शेर को नन्हे कछुए ने चूमा, कछुए को इग्नोर करता हुआ शेर बढ़ा आगे।